प्रिय बच्चों, आज हम अपने विद्यार्थियों को क्लास 11 की केमिस्ट्री में एक चैप्टर परमाणु संरचना है, उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज पढ़ाना है बच्चों को। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसे हिंदी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सबसे पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए। किसी भी तत्व के, किसी भी परमाणु के कोष, उपकोष और कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोरबरी ने भी दिया था। ऑफ बाउ जो एक जर्मन भाषा का शब्द है, ऑफ बाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी दिया गया। लेकिन हम यहां इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की को बताने के लिए कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। वो ट्रिक हम आपसे बताते हैं। हम जानते हैं कि हमारे चार उपकोष होते हैं, SPDF। इनका पूरा नाम सार, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल होता है। अब हम उस ट्रिक को बताएंगे जिससे हमारे विद्यार्थी सरलता से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकें। हम आप बाउ का जो सीरियल है, उस सीरियल को बनाने के लिए सबसे पहले यस दो बार रखेंगे, फिर पी को भी इंक्लूड करेंगे, पी को भी सम्मिलित करेंगे और पी एस दो बार रखेंगे, फिर डी को भी इंक्लूड करेंगे और डी पी एस दो बार सम्मिलित करेंगे, फिर एफ लेंगे और एफ डी पी एस दो बार रखेंगे। एस की शुरुआत एक से करेंगे तो 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s और 8s। पी की शुरुआत दो से करेंगे तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। डी की शुरुआत हम तीन से करेंगे तो 3d, 4d, 5d और 6d। एफ की शुरुआत हम 4 से करेंगे तो 4f और 5f। ये हमारा सीरियल हो गया। अब हम जानते हैं कि यस उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, पी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 होती है, डी में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 होती है और एफ में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 होती है। अब हमें यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, जैसे हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना हुआ 25 का, तो हम इस प्रकार से करेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d में हम 5 ही रखेंगे, 25 हो गया। हम कुछ तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करके दिखाते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हाइड्रोजन का 1s1, हीलियम का 1s2, लिथियम का 3 होता है परमाणु क्रमांक 1s2, 2s1, बेरिलियम का 1s2, 2s2, बोरान का 1s2, 2s2, 2p1, कार्बन का 1s2, 2s2, 2p2, नाइट्रोजन का 1s2, 2s2, 2p3, ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 2p4, फ्लोरीन का 1s2, 2s2, 2p5, नियान का 1s2, 2s2, 2p6। इस प्रकार से
अभी तक 118 तत्वों की खोज हुई है और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अनेक अपवाद भी हैं जो रूल को फॉलो नहीं करते हैं। इन अपवादों को ध्यान में रखने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक के माध्यम से हम बताएंगे आपको कि एक से लेकर के प्रमाण क्रमांक एक से लेकर के और 118 तक में कितने अपवाद हैं। जो नियम का पालन नहीं करते हैं, ये 54, एक शैतान, 8 उन, 9 छाना गया। इसका अभिप्राय 4 का मतलब परमाणु क्रमांक 24, 1 का मतलब परमाणु क्रमांक 29, एक शैतान का मतलब प्रमाण क्रमांक 41 से 47, इसमें प्रमाण क्रमांक 41, 42, 44, 45, 46 और 47, ये टोटल अपवाद है इसमें प्रमाण क्रमांक 43 को छोड़कर। परमाणु क्रमांक 43 को छोड़कर 878, 79, 90, 91, 92, 96, 111 अर्थात परमाणु क्रमांक 24, 29, 41, 42, 45, 46, 47, 78, 79, 90, 91, 92, 96 और 111, ये टोटल अपवादों की संख्या है। अगर हम इनको गिन के देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी टोटल परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 118 तक में 15 अपवाद हैं जो नियम का पालन नहीं करते हैं। इसे हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे हम उदाहरण के द्वारा परमाणु क्रमांक 24 और 29 को बताते हैं। परमाणु क्रमांक 24 क्रोमियम और 29 कॉपर। 24 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d4, ये गलत है। होना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 और 3d5। इसी प्रकार 29 का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d9 होना चाहिए, ये भी गलत है। सही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। इसका ये सही है, इसका ये सही है। आशा करता हूं हमारे प्रत्येक विद्यार्थी इस नियम को सीखे होंगे।